है मेरी मामी। कुछ बोल दो ना, हेलो गाइस तो कर दो। ये मेरी सबसे बड़ी मामी है, उनसे छोटी। हमारी बहुत खाना खाया, मैंने इतनी पूड़ियाँ दी इनको। ये है मेरी नानी, पहली बार आ रही है मेरी वीडियो में। आज का ब्लॉग ना अनब्लॉग स्टार्ट करने वाला है। अनब्लॉग कर स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम अपने नानी के यहाँ जा रहे हैं, माना एक छोटा सा फंक्शन है उसे अटेंड करने जा रहे हैं, तो आज काफी मजा आएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखिए, चलिए और देखते रहिए हमारे सारे ब्लॉग। मेरे साथ ना ज्योति भी जा रही है। ज्योति, वैसे ज्योति का बेस्ट ऑफ लक, ज्योति का है आज एग्जाम, तो आप सब लोग ज्योति को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ज्योति का बीकॉम क्या कर रही है, ज्योति बीएससी। अच्छा, ज्योति बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रही है। फर्स्ट एग्जाम है इसका, फर्स्ट पेपर है। तो गाइस अभी ना हम लोग रुके हैं मौसी के घर पे। लवली की जो मौसी है ना, उनके घर पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बस चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद जाएंगे नानी के घर पे। तो मौसी के घर पे आते ही ना मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी और ना बहुत ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था, क्योंकि गाड़ी में इतनी तेज गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो बस चाय वाय पी के हम लोग निकल लिए हैं। सो गाइज मैं आई हूँ अभी भाभी के घर पे, भाभी के ये नहाने के लिए। डिग्गू इधर आ, आपको मिलवाऊँ, आपको हेलो गाइज से मिलवाऊँ। ये है मेरी भाभी का बेटा, छोटा वाला बेटा है। ओ कितना प्याला है, अभी बोलता नहीं है, शांत रहता है, अन्य जैसा है। जब कोई आ जाएगा तो अन्य जैसे मौन व्रत रख लेती है, वैसे ऐसे ही ये भी है ना, है ना। अरे हंसा है, हूँ कर रहा है, मैं ऐसा ही हूँ। बड़े में नमस्ते। कोई नहीं, पैर मत छुओ मम्मी, पैर मत छुओ। सो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, 12 बज चुके हैं। ये है मौसी, लवली की मौसी है, मेरी भी मौसी है, लेकिन इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि कौन है। तो बस मौसी रुक जाएंगी, मतलब मौसी का ससुराल है ना, रास्ते में मौसी जा रही है अपने ससुराल, तो मौसी रास्ते में उतर जाएंगी, हम लोग निकल जाएंगे नानी के घर पे। सो गाइज ये है मेरी छोटी वाली मामी। हेलो गाइज बोल दो। हेलो गाइज। शर्मा रही है, वैसे शर्माती तो बिल्कुल नहीं है, आज शर्मा रही है जब वीडियो बना रही है, पहली बार बन रही है ना वीडियो। और ये सब लोग आपस में बैठ के कर रहे हैं बातें, मैं भी सुन रही हूँ इन लोगों की बातें। जब कोई बहुत दिनों बाद जाता है ना तो बहुत सारी बातें हो जाती है पूछने के लिए। अच्छा लग रहा है आपको, ये मेरी नानी का घर है बेटा। ये आपका नानी का घर नहीं है। हाँ, ये आपकी नानी है। हम नानी हो गए, बुढ़े हैं। लगा लो, भैया के साथ खेल लो। अब इसे बहनिया को खिला लो, खा ले, तुम खा ले। वो देखो आपको पेड़ा खिला रहा है भैया, है खेल लो, भैया के साथ खेल लो। अच्छा लगा आपको। बोलो, अब तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाय बच्चों, अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कौन कौन क्या है। मैं ऋषभ। आप ऋषभ हो। तुम क्या हो, तुम्हारा नाम प्रेम है कि उसका नाम स्टार्टिंग से प्रेम ही है। नहीं, प्रिंस। मैं प्रिंस से ही तो जानती हूँ तुम्हें। आन्या, कितने सारे लोग हैं बेटा, खेलो। हाँ, कितने सारे लोग हैं। ये सबसे ज्यादा शैतान है इन बच्चों में, वो सबको छड़ती है। सो गाइस अभी आके मैं लेट गई थी थोड़ी देर, सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। मैं कि जाती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे सिर में दर्द पता नहीं क्यों होने लगता है, और ना ज़्यादा ब्लॉगिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि ना बाहर सब लोग बैठे हैं ना, हर किसी को वीडियो में आना पसंद नहीं होता है इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग ना ये मत सोचना कि मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं कैमरा नहीं उठाती हूँ हर जगह। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी मामी के यहाँ पे, एक और मामी है जो उधर साइड रहती हैं, तो उनके घर पे भी घूम के आते हैं थोड़ी देर तक। मम्मी आओ। आने लोग आगे भागती, बेटा धीरे धीरे चलाओ। और कैसी हो माई। चलो चाय। और कैसी हो माई। और बढ़िया, तुम चकाचक। मैं बढ़िया। हाँ ये मेरी बिटिया नानी है, ये आपकी नानी से बातें कर लो, नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो नानी से। उसके लिए सब नया नया है ना, इसलिए। ब्लॉग बनाती हूँ ना, अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ। माय नमस्ते, वीडियो बन रही है आपकी। अरे ये है मेरी मामी। कुछ बोलते दो, हेलो गाइस तो कर दो। कल शर्म आ रही है, कल वीडियो में दिखाई दोगी आप। सो गाइज मामी के यहाँ से तो आ गए हैं, अब खाना पीना खाते हैं, बस चलते हैं। चाचा का फ़ोन आ रहा है, जल्दी चलो 5 बजे तक ना हमें निकलना है। आने की भी बहुत जल्दी और जाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी। तो बस खाना खा लेती हूँ। खाने में है आलू मटर, मटके के आलू पूरी एंड रसगुल्ले। खाना ना वाकई बहुत टेस्टी था। खाना आ जाओ, नहीं खाएगी वो, भूख नहीं होगी ना, रसगुल्ले खा ली इसलिए। दीदी हमारा हाथ साफ है, तुम दोनों सोचो। माई फिर मिलेंगे हैं। माई नमस्ते। मम्मी चलो, अब करूँगी, नंबर ले लिया आपका, ठीक है, मिलते हैं दोबारा। माई नमस्ते। ये मेरी सबसे बड़ी मामी, उनसे छोटी सबसे बड़ी छोटी, कितनी प्यारी माई है मेरी, सारे की सारी। ये वीडियो आ जाएगी इसीलिए कैप्चर कर रही हूँ। कुछ बोल दो, कुछ बोल तो दो। हेलो गाइस कर दो। तूने हमारी बहुत खाना खाया, मैंने इतनी पूड़ियाँ दी इनको, सारी बता दी है। जाए बोल दे। कह रही थी नानी तो बुलाओ कभी अपने घर पे। ये है मेरी नानी, पहली बार आ रही है मेरी वीडियो में। करो ठीक है, दे रही है। अपना ध्यान में डाल सब होशियार बच्चा। आना फिर कभी घूमने, अब तो मम्मी गाँव में रहेंगी, मैं भी आती जाती रहूंगी। है आना भैया, इनका कन्नू ही कन्नू। और बना लूं, पता नहीं फिर कब आना हो नानी के घर पे। पहली बार आई हूँ, क्यों अब क्या करूँ, जो है वो है, बनानी तो पड़ेगी। बेटा नीचे नीचे उतर जाओ। नहीं 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 नहीं, चलो चला। ये है मेरे मामा। कोई नहीं आता ब्लॉग में, सब अनकम्फर्टेबल होते हैं, पता हमें बतलाना वीडियो होने लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मामा तो आएंगे, मुझे पता था पहले से ही। सो गाइज अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, नानी वगैरह से मिलके। नानी ना, जब भी हम नानी से मिलते हैं ना तो नानी एकदम से रुवासी से आती है, क्योंकि ना हम बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, इसलिए। तो सबसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। तो बस घर पे आ चुकी हूँ। और ये ना डॉगी वगैरह इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं जब हम लोग कहीं चले जाते हैं ना, इधर से उधर। देख रहे हो आप लोग कैसे भाग रहे हैं। अन्य दबा रही है अपनी मासी का सिर। मासी अपना एग्जाम देके आई तो मासी के सिर में हो रहा था बहुत दर्द, तो इसलिए ना अन्य देखो मासी का सिर दबा रही है। और क्या, और वो घड़ी निकाल रही है। हाँ, और मासी ने ये बोला है कि तुम मेरा सिर दबाओ, हम तुम्हें घड़ी गिफ्ट करेंगे, इसलिए आने लालच में मासी का सिर दबा रही है। यू आर वेरी चालाक ब्रो। सो गाइज खांसी होने लगी। सो गाइज खाना जो है वो नानी के घर से खा के आए थे, इसलिए भूख नहीं है। बस आज बहुत थक गए हैं, सिर में दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का। आन्या अपनी मासी के साथ में कर रही है मस्ती, और मैं फिलहाल ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। टीवी देख रहे हैं, बिग बॉस का वेट कर रही हूँ, बाकी तो कोई नाटक देखती नहीं, मम्मी और चाची देखते हैं। सो आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये कुछ यूनिक सा ब्लॉग था, मेरी नानी के घर पर हम लोग गए थे। सो ब्लॉग कैसा लगा हो तो कॉमेंट में जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।